कर्नाटक के बेलगामी जिले के गांव में चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक जैन मुनि के शव के टुकड़े बोरबेल से बरामद हुए हैं। क्या है ये पूरा सनसनीखेज मामला जो कर्नाटक में चर्चा की वजह बना हुआ है, करेंगे खुलासा आज एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्ते, एनटीवी निष्पक्ष में आपका स्वागत है और मैं हूँ अनामिका यादव। दरअसल कर्नाटक के बेलगांव जिले में एक जैन मुनि की हत्या कर दी गई है। जैसा कि आपको पहले बताया, ये मामला बेलगांव जिले के चिकोड़ी इलाके का बताया जा रहा है। जैन मुनि 108 कामकुमार नंदी जी महाराज यही नंदी पर्वत पर आश्रम में पिछले 15 सालों से रह रहे थे। 6 जुलाई को अचानक ही लापता हो गए और जिसके बाद ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की जांच में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों ने हत्या की बात भी कबूल कर ली है और बताया कि हत्या के बाद जैन मुनि की लाश के टुकड़े कर कटकावी गांव के पास ही नदी में फेंक कर उनकी लाश को ठिकाने लगाया था। वजह की बात करें तो दोनों आरोपियों ने सिर्फ इसीलिए उनकी हत्या कर दी क्योंकि जैन मुनि ने आरोपियों को पैसे उधार दिए थे और अब जब मुनि ने उनसे वो पैसे मांगे तो आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में कर्नाटक बीजेपी ने जांच की मांग की है। पुलिस इस सिलसिले में 2 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें आरोपी नारायण बसप्पा मांडी और हसन दलायत शामिल हैं। अब तक जांच में पता चला है कि ये हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुई। बीजेपी के राज्य प्रमुख नलिन कुमार कटियार ने घटना की निंदा करते हुए अपराध से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल करते हुए गहन जांच की मांग की है। इसके साथ ही कटियार ने राज्य सरकार से राज्य के सभी साधु संतों को सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहे एनटीवी निष्पक्ष।